हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी और वेरी हेल्दी ब्राउन राइस डोसा की रेसिपी। जी हाँ, ब्राउन राइस डोसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वेलकम, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करने से आपको सबसे पहले मेरी वीडियो फ्री में देखने मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो ब्राउन राइस डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन राइस और उड़द की दाल। तो ये प्रोपोर्शंस आप लोग याद रखना। इसमें एक कटोरी सेट कर लीजिए और उसी कटोरी से तीन कटोरी ब्राउन राइस लीजिए, ठीक है। आप कोई भी वैरायटी के ब्राउन राइस ले सकते हो। और एक कटोरी उड़द की दाल, जी हाँ, सफ़ेद वाली उड़द की दाल। तो एक बड़ा पतीला ले लो, उसमें ब्राउन राइस और उड़द की दाल मिक्स कर लो एक साथ। गाइस, क्या आपको पता है कि ब्राउन राइस में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। तो ब्राउन राइस गाइस बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें अब हम एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो है मेथी के दाने, मेथी सीड्स। ज़्यादा नहीं, बस एक टीस्पून या हाफ टी स्पून, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत कड़वा होता है ना इसीलिए, ठीक है। बस एक टीस्पून डाल लीजिए और उसके बाद इन सब को हमें अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। इसको दो तीन बार अच्छे से वॉश करो जब तक पानी क्लियर नहीं हो जाता। गाइस, क्या आपको पता है कि ब्राउन राइस में ना हाई लेवल्स ऑफ मैग्नीशियम होता है जो आपके हार्ट को डिजीज और स्ट्रोक से बचाता है। तो जैसे ही ये अच्छे से वॉश हो जाए इसमें पानी डालो, एक जग भर के पानी डाल दो और इसे अभी हमें सोक करने के लिए रखना है 6 से 7 घंटों के लिए, ठीक है। मिनिमम आप इसको 6 घंटे तो रखना ताकि ये अच्छे से सोक हो जाए। तो देखिए गाइस, 6 घंटे हो गए हैं और हमारी चावल और दाल अच्छे से सोक हो गई है। गाइस, सोकिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, होता है, ठीक है। तो आप इसको 6 घंटे तो सोकिंग के लिए ज़रूर रखना। अब ये जो पानी था उसको डिस्कार्ड कर लीजिए और एक मिक्सी ग्राइंडर लीजिए और उसमें 2-3 चम्मच भर के हमारे दाल और चावल डाल दो और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी एक फाइन पेस्ट बनाना है हमें, ठीक है। एक स्मूथ सा पेस्ट आप बना लो इसको ग्राइंड करके। और एक बड़ा पतीला लेना, उसमें आप ये पीस के उसमें डाल दो, ठीक है। तो 3-4 बार या जितनी बार भी आप इसको पीस रहे हो आप उसमें डाल देना। और इसे अभी हमें अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। तो पहले अच्छे से मिक्स करो इसको और इसमें हमें 1 मिनट तक अच्छे से इसको हिलाना है ताकि इसमें अच्छे से हवा भर जाए, ठीक है। तो अराउंड 1 मिनट आप इसको अच्छे से मिक्स करो। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालो, ठीक है, अराउंड 1 टीस्पून नमक डालो और उसके बाद दोबारा 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से हमें सबको मिक्स करना है, ठीक है, ताकि इसमें हवा भर जाए और फर्मेंटेशन के लिए आसानी हो, ठीक है। गाइस, आप लोग ये स्टेप भी ज़रूर करना। और बस अभी हमें इसे फर्मेंट होने के लिए ओवरनाइट रखना है। तो देखिए, अगली सुबह ये हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो गाइस, फर्मेंटेड फूड्स ना हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो आपको जब भी ये डोसा बनाना हो ना, तो आप सुबह में चावल और दाल को सोक करके रखना और रात को उसको पीस लेना ताकि वो रात भर अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और जैसे मैं आपको पहले भी वीडियोस में बताती हूँ कि जब भी डोसा बनाना हो तो जिस पतीले में आप बैटर को फर्मेंट करते हो वो पतीले से डायरेक्टली डोसा मत बनाना, क्योंकि वो बहुत सारा बैटर होता है। थोड़ा सा बैटर उसमें एक दूसरे बोल में निकाल के ले लो और उसमें पानी डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अगर बैटर थोड़ा ठीक है तो उसमें पानी डाल के बैटर को एडजस्ट करो, पोरिंग कंसिस्टेंसी का बनाओ। और उसके बाद अब हम चलते हैं डोसा बनाने के लिए। तो एक तवे को हाई हीट पे गरम करो और एक लैडल भर के या 1 या 1.5 लैडल भर के आप उस पर बैटर डालो और बस धीरे से हल्के हाथों से उसको थोड़ा सा फैलाओ। ये हम ना रेगुलर डोसा जैसा डोसा नहीं बना रहे हैं, ये हमें सॉफ्ट और स्पॉन्जी डोसा बना रहे हैं, थोड़ा उत्तप्पा जैसा होता है वैसा, ठीक है। तो इसको डोसे के जैसे घुमाना मत, बस बैटर को पोर करके और बस हमें उसको ढक के 1 मिनट के लिए पकाना है। तो देखो गाइस, कैसे ऊपर इतने सारे बबल्स आ गए हैं। तो हमारा डोसा रेडी। आप इसके ऊपर तेल या असली घी जो आपको ठीक लगे आप उसको ड्रिजल कर सकते हो, या अगर आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो,
तो देखो गाइस हमारे डोसा बनके बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से सारे डोसास आप बना लो। और इसको मैंने सर्व किया था हरी चटनी और पीली वाली बटाटे की भाजी के साथ, ठीक है, आलू की सब्जी। गाइस ये चटनी की रेसिपी मैंने अपने किनवा डोसे में बताई हुई है, आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। और डोसा भाजी भी मैंने शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वो रेसिपी भी ज़रूर चेकआउट करना। तो गाइस कमेंट में बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और हाँ आप ये कब ट्राई करने वाले हो। बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ब्राउन राइस डोसा बनके बिल्कुल रेडी। गाइस ब्राउन राइस में बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6, विटामिन ई और विटामिन के। गाइस ये रेसिपी सबके साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये रेसिपी देखें और ट्राई करें। और हाँ वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। और हाँ कमेंट में बताओ अगर आप ट्राई करोगे तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।